हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजीत सिंह। तो इस वीडियो में मैं आज आपको आरसीसी कॉलम में लिमिट स्टेट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हुआ हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आरसीसी कॉलम के कुछ लेक्चर मैं करवा चुका हूँ, जिसमें आपको वहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ हूँ। आरसीसी कॉलम का जो भी कॉन्सेप्ट है थ्योरी का पूरा बताया हुआ हूँ, और वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम का भी फॉर्मूला बताया हूँ, और एक लेक्चर में मैंने वहाँ पर डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट भी बताया हुआ है आपको। तो अगर आपने उन तीनों लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले वो तीन लेक्चर आप देख लेंगे जो प्रीवियस में बना चुका हुआ हूँ पहले से, तो उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, एन आर सी सी शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज 400 mm × 500 mm। एक आरसीसी कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है। क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है ये शॉर्ट कॉलम है, यानी हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। एन आरसीसी शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज 400 × 500 mm इज कैरिंग अ फैक्टर लोड ऑफ 300 kN। ध्यान देना, LSM मेथड में हमेशा फैक्टर लोड ही दिया जाता है। डिज़ाइन द कॉलम, यहाँ पे कॉलम का डिज़ाइन करना है। देखो डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन का मतलब होता है कि हमें साइज ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना होता है और उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। दोनों टाइप के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे आप, मेन बार भी और टाई बार भी, इसी को बोलते हैं डिज़ाइन। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको साइज ऑफ कॉलम दे दिया है, इसका मतलब है हमें साइज ऑफ कॉलम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन करना है कि वर्टिकल मेन बार कितने mm डाला के कितने नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करना होगा, एंड टाई बार जो है कितने mm डाला के कितने स्पेसिंग पे वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस डिज़ाइन के क्वेश्चन में। यूज M25 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। यहाँ पर जो कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है वो कितना दिया गया है, M25 एंड Fe 415। तो चलिए जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यू है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले दिया गया है साइज ऑफ कॉलम कितना दिया है, 400 mm × 500 mm। एक चीज तो ये हो गया, फैक्टर लोड दिया गया है 300,000 kN। यूज M25 एंड Fe 415। देखिए M25 के लिए FCK = 25 Nm/mm² एंड Fe 415 के लिए Fy = 415 Nm/mm². ठीक, तो कॉलम के चैप्टर में मैं आपको केवल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम का ही फॉर्मूला बताया हूँ, और केवल इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट कॉलम के लिए, यानी स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम इक्वल टू 0.4 FCK × AC प्लस 0.67 FY × ASC। ये होता है फॉर्मूला फैक्टर लोड का या स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम का, या डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम आप कह सकते हैं। क्या होता है, 0.4 FCK × AC प्लस 0.67 FY × ASC। यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ASC का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम को ही बोलते हैं फैक्टर लोड, या जितना फैक्टर लोड लगा हुआ है उतना ही फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम हमें चाहिए। तो वो 3000 kN आपका वैल्यू हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम का। ये किलो न्यूटन में दिया गया, इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो × 10³ न्यूटन। यूनिट आप ज्यादा ध्यान देंगे, यूनिट से बच्चे बहुत ज्यादा गलत क्वेश्चन को करते हैं, हमेशा न्यूटन में लेके चलेंगे आप। 0.4 × FCK, FCK का वैल्यू कितना है, 25 × AC। AC क्या होता है,
एसी होता है एरिया ऑफ कंक्रीट। एसी क्या होता है? एरिया ऑफ कंक्रीट। कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया ऑफ कॉलम में से एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट यानी एसी माइनस कर देंगे तो एसी आपको मिल जाएगा। यानी मैं एसी को ये कह सकता हूँ टोटल एरिया ऑफ कॉलम यानी ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम एजी माइनस एएससी, ये क्या हो गया आपका एसी, प्लस 0.67 एफवाई। एफवाई की वैल्यू कितनी है? 415 इंटू एएससी। अब इस पूरे इक्वेशन में क्या अननोन है? केवल एएससी अननोन है और एएससी का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 3000 या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10^6 0.4 अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे आगे कर लेंगे। एजी, एजी क्या वैल्यू होता है? एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। तो कॉलम का शेप कैसा है? 400 × 500 mm साइज का यूज किया गया है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एजी क्या हो जाएगा आपका 400 × 500 माइनस एएससी प्लस 0.67 × 415 × एएससी। तो 3 × 10^6 अब क्या हो जाएगा? देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 0.4 × 25 × 400 × 500 तो ये आपका हो गया 2 × 10^6 माइनस इसी का मल्टीप्लाई एएससी के साथ करेंगे 0.4 × 25 तो 10 हो जाएगा एएससी, प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0.67 × 415 तो ये हो जाएगा 278.05। अब देखिए ये वैल्यू आपका, मैं काम करता हूँ इसको एएससी में लिखिए आप, ठीक है, ये वैल्यू इधर ले आएंगे आप तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं? तो 3 × 10^6 − 2 × 10^6 इसमें से इसे आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 268.05 एएससी, ठीक है। 278 में से 10 माइनस करेंगे तो 268 आ जाएगा आपका। तो यहां से अब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहां पर 1 × 10^6 = 268.05 एएससी। एएससी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10^6 / 268.05 एएससी आपको यहां से मिल जाएगा। 10^6 / 268.05 आ जाएगा 3730.64 mm का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एरिया ऑफ वर्टिकल मेन बार कह सकते हैं, वर्टिकल मेन बार का एरिया एएससी आ गया। अब इसमें हम ये निकाल लेंगे कि कौन से डाया एमएम का यूज करना है, कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करना होगा। तो अपने से एज्यूम कर लेंगे आप, लेट यूज ऑफ डाया ऑफ मेन बार 25 mm, लेट यूज डाया ऑफ मेन बार 25 mm। आपने यहां पे ज़ूम कर लिया कि 25 mm डाया का मैं मेन बार प्रोवाइड कर रहा हूं तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा? देन नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू टोटल एएससी अपान में एक स्टील के एरिया से डिवाइड कर देंगे पाई बाई 4 × डाया का स्क्वायर। एएससी 3730.64 डिवाइड बाई पाई बाई 4 × 525 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेवन पॉइंट सिक्स जीरो को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 8 बार। यानी यहां पर 8 बार 25 mm का प्रोवाइड करना होगा तो हम कह सकते हैं कि मेन बार 8 mm डाया, सॉरी 25 mm डाया
एट नंबर, जिसको बोलते हैं डिजाइन। अब यहां पे टाई बार की बात करता हूं मैं, तो चलिए इंडिपेंडेंट टाई बार प्रोवाइड कर लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, टाई बार। डाया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, 8 mm से लेकर के 16 mm तक, और या डाया ऑफ मेन बार डिवाइड बाई 4। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, विच एवर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, वो हम वैल्यू ले लेंगे। तो देखिए 8 mm से लेके 16 mm, और डाया ऑफ मेन बार, डाया ऑफ मेन बार कितना है आपका 25 डिवाइड बाई 4, कितना आएगा 6 point something आ जाएगा। तो ज्यादा क्या है, 8 mm ज्यादा है, तो यहां पे हम कितना ले लेंगे, 8 mm डाया। वैसे मैंने आपको बताया हुआ कि 8 mm ही ले लिया कीजिए, आप हमेशा आपको 8 mm ही आएगा, ठीक है ना, तो 8 mm लेके चलेंगे आप। नंबर बी पॉइंट, इसका पिच या स्पेसिंग की बात अगर मैं करूं तो स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको 3 point बताया हुआ है। वो तीनों पॉइंट क्या है स्पेसिंग के, नंबर फर्स्ट लीस्ट लेटरल डायमेंशन, LLD शॉर्टकट में मैंने लिख दिया लीस्ट लेटरल डायमेंशन। क्या होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, साइज ऑफ कॉलम में जो साइज सबसे कम होता है उसे बोलते हैं लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो कितना है आपका 400 mm। सेकेंड चीज क्या है आपका, 16 into डाया ऑफ मेन बार, तो 16 into डाया ऑफ मेन बार 25 mm है, तो ये कितना हो जाएगा 16 into 25, 400 mm, ये भी आ गया। एंड नंबर थर्ड क्या है, 300 mm। इन तीनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है वो कहलाता है स्पेसिंग ऑफ टाई बार, विच एवर ऑफ मिनिमम वैल्यू। ध्यान देना यहां पे मैंने मिनिमम लिखा है और डाया निकालते समय मैक्सिमम होता है, तो कितना मिनिमम वैल्यू यहां पे 300। तो मैं कह सकता हूं कि टाई बार जो आप प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया का एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर, इस प्रकार आपका डिजाइन कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, जिससे ऐसे क्वेश्चन हर एक सभी बच्चों को आना चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। तो मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, और भी अच्छा डिजाइन का क्वेश्चन लेके आऊँगा, और अभी RCC कॉलम ही चलेगा, RCC कॉलम के WSM मेथड में, WSM कंप्लीट हो चुका है, LSM मेथड में ये लेक्चर नंबर 4th है आपका, और अभी इसमें 2 या 3 लेक्चर में और बताऊंगा आपको, और उसके बाद RCC कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको।